मैं इतनी टेंशन में हूँ अभी, इतनी टेंशन में हूँ कि यार मैं खुद कभी कभी तो मतलब सारे में से पूछा कि यार क्या तुम ऐसे चुप चुप रह रहे हो। मैंने कहा यार मैं क्या बताऊँ, कोई कहता भाई आलू में कांटा पड़ा हुआ, कोई कहता भाई कोई मटर मटरों में कांटा पड़ गया है, मतलब कि वेलकम जी, वी आर बैक एंड वेलकम बैक हो गया तुम सबका न्यू व्लॉग के अंदर। भाई सब्सक्राइब कर दो, आप किसका वेट कर रहे हो? मैं तो आपसे हैरान हूँ, ये व्लॉग भी देख लेते हो आप, इंतजार कर किसका रही हो? 11 बज गया, अभी अभी मैं उठा हूँ तो उठते यार मैं कैमरा पकड़ लिया। भाई ठंड इतनी ज्यादा है कि भाई मैं बता नहीं सकता, लाइट भी गई हुई है और मैंने नहाना भी है, अच्छा और उधर से मेरा नाश्ता बना ठंडा हो गया। भाई इधर से आवाजें आ रही हैं कि भाई उठ जाओ नाश्ता कर लो अपना, भाई राग। तो मैं कह रहा हूँ भाई मैं क्या करूँ, अब उठने को तो दिल नहीं कर रहा। इधर से दूसरे नंबर पे भाई कि पानी इतना ठंडा है, हद है यार, मेरा लाइट भी गई हुई है। ये तो भाई यूपीएस चल रहा है, खैर उस वजह से जो है ना गुजारा मुजारा मेरा हो रहा है, लाइट की वजह से मेरा व्लॉग चलो बन रहा है। ओए होए होए मैं बता नहीं सकता आपको भाई, नाना भी पढ़ना है। क्या बताऊँ यार, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल जो है ना वो भी ऑल पे कर देना, ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको जो भी व्लॉग अपलोड हो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, और ये मिस ना करना। रिक्वेस्ट वाली बात है भाई, रिक्वेस्ट है क्या ना, कोई हमें कोई टैक्का शक्का नहीं लगा रहा। अबे साले, ये ना वो आप छोड़ के चले जाओ भाई, ये बंदा टैक्का लगा रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो यार अभी मैं उठता हूँ, इधर से टाइम काफी हो गया है, 11 बज गए हैं, पहले भी 12-1 बज जाता है पहले भी ऑलरेडी। तो ठीक है भाई, इतना कोई लंबा भी नहीं करना हमने व्लॉग, चवले इतनी भी नहीं मारनी के भाई ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप बोर ही हो जाओ और चले जाओ भाई, क्या बकवास ही करी जा रहे हो। तो मिलता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको कोई 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 कोई, कोई आधे घंटे बाद। 1 hour later। तो हाँ जी, फिर यार आवाज पढ़ने आ गए थे मैं और जाहिद। आप कह रहे होंगे भाई तब कोई 11:30 का टाइम, आप तो 1:30 बजे होती है जमात, तो ये देखो जाहिद और मैं आ गए थे नमाज पढ़ने, पढ़ लिए फाइनली। भाई तब इसलिए नहीं था यार कि जब मैं आया था हॉस्पिटल सीधा, इन्होंने आग वगैरह जलाई थी, ठंड बड़ी थी, तो मैं बैठ गया था, मोबाइल भी निकालने का दिल नहीं था कर रहा। क्या फंस गया है, क्या फंस गया तेरी बैंड में? ए माधर चुप, अपना काम कर रहा। 3 hours later। तो हाँ जी, मैं आ गया था उधर से सीधा लैब में, मतलब उधर से सीधा लैब में नहीं, बट मैं आ गया था तब इजाइड के साथ, लेकिन अभी तो भाई अंधेरा हुआ है, मैं लैब में बैठा हूँ, मुझे कोई और कोई तो भाई तरीका नजर आया नहीं था कि भाई मैं क्या दिखाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं, किसके पास जाऊं कि भाई मुझे अपना व्लॉग बनाना है। तो भाई अभी रात का टाइम है, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद जो है ना मतलब डबल माइंड हुआ हूँ यार, मैं क्या करूं। तो रहने दो, फिर मेरे को इतनी को पॉकेट मनी इतनी को ज्यादा नहीं है कि मतलब मैं घूमू फिरू आपको मतलब दिखाऊं, लेकिन अगर आप साथ दोगे ना, आप साथ दोगे, आप साथ हो, तो भाई मैं कहता हूँ कुछ भी, सारा कुछ मैं कर लूंगा, सारा कुछ हो सकता है अगर आप साथ दोगे, अगर आप साथ नहीं दोगे तो भाई मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, आप जो न्यू आए हो भाई आप सब्सक्राइब कर देना, और जो सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है भाई आप भी सपोर्ट करो मेरे को, सब्सक्राइब पहले कोई 500 तो कंप्लीट करवा दो ना यार, सबसे छोटा एम है 500 का, कोई 200 हो गए हैं बड़ी मुश्किल से, 201 हुआ है अभी, कोई एक वीडियो अपलोड करें तो भाई कोई 20-25 व्यू आ जाते हैं। आपकी सपोर्ट भाई बात आप पे खत्म होती है, आप हो तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो भाई अभी मैं लैब में ही बैठा हूँ, तो मैं सोच ही रहा था कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने कहा चलो यार कुछ बातें कर लेते हैं। यार मैं सही कह रहा हूँ, मैं इतनी टेंशन में हूँ अभी, इतनी टेंशन में हूँ कि यार मैं खुद कभी कभी तो मतलब सारे में से पूछा कि यार क्या तुम ऐसे चुप चुप रह रहे हो, मैंने कहा यार मैं क्या बताऊं, कोई कहता भाई आलू में कांटा पड़ा हुआ, कोई कहता भाई कोई मटरों में कांटा पड़ गया है, गजब बेइज्जती है, मतलब कि ऐसे मुझे जुगतें पड़ती रहती हैं कि भाई तुम क्या है भाई मुंह लटका के बैठे रहते हो खड़े रहते हो ये वो। मैंने कहा यार मैं सोच रहता हूँ कि मैं कंटेंट निकालू और कहाँ पे निकालू, मैं इधर उधर घूम घूम के सारा सारा कुछ आपको टूर करा चुका, कोई पूरे पटियाले की कोई टोए शोए तो आपको पता चल ही गया होना, जितना जितना को मैंने कोई इधर व्लॉग कर दी है। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं करूं तो करूं क्या, किधर जाऊं, किसके पास जाऊं हेल्प के लिए, मैं क्या करूं, मेरा तो दिल करता मैं मार के ना अपनी टक्कर तो सिर पार दूं, फिर भी आइडिया आ जाएगा, मेरे लगता है ठंडा हो जाएगा ना दिमाग, ठंडा हो जाएगा। तो खैर यार बड़ी बातें हो गई, अगर मैं ऐसे कोई बातें करने लग गया तो भाई इधर तो 2 घंटे भी मैं शुरू अगर बैठा रहा आपसे बातें करने तो खत्म नहीं होगी, इतना कोई बड़ा Q&A बन जाएगा हमारा, Q&A वीडियो बन जाएगा। तो खैर वो कोई हम कभी अलहदा करेंगे, अगर आपका दिल कोई करता है पूछने को तो भाई आप तो कमेंट नहीं करते, आपका दिल क्या करना को पूछने का है।
ये बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा मैं सोच रहा था कि ऐसे करते हैं, आप ना आप जितने भी लोग देखते हो, चलो खैर कोई 10-12 कोई 20 तक मेरे ख्याल से खींच खींचा के व्यू आ ही जाते हैं, मतलब न्यू कंटेंट पे, मेरे न्यू वीडियोस पे। तो आप ऐसा करेंगे यार, आप जो देखते हो ना, आप लाजमी कमेंट करके मुझे ये बताओ कि मुझे कोई, आप कोई छोटा मोटा कोई मुझे चैलेंज दो यार, मैं करूँ इंशाल्लाह। ये बात आपने मेरी लाजमी, खैर आप जितनी भी मैंने पीछे कहे हैं, जो भी कहा है, मतलब कि आप कमेंट किया करो भाई ये भाई कैसा, ऐसे जानते हो, ऐसे हो सकता है या ऐसे नहीं हो सकता। आपने खैर कमेंट नहीं किया, कोई मसला नहीं, खैर लेकिन आप कमेंट करो यार, मुझे कुछ छोटा मोटा कुछ चैलेंज दो, या मुझे कोई मतलब आप मेरे साथ, मेरा कहने का मतलब शॉर्टकट ये है कि आप यार मेरे से कोई रब्ता तो रखो ना, मैं मतलब ऐसे पागल लगता हूँ कि मैं बोली जाता हूँ, आप देखते हो ठीक है, और आप कोई रिस्पांस भी नहीं करते, कोई चंद करता है जो मतलब मेरे ज्यादा करीबी हैं, वो कर देते हैं और आप नहीं करते, मतलब के जो मेरे साथ मेहमान रहता है या घर कोई लोग मेरा देख लेते हैं या बाहर कोई, उधर से कॉमेंट आ जाते हैं भाई आप नहीं बट करते, ये मसला है। तो खैर आप भी कमेंट किया करो, मुझे कुछ चैलेंज दो यार, मैं वो करूंगा इंशाल्लाह। आप जो भी चैलेंज दोगे, जो मेरे लाइक हुआ, मैं मेरे वो करने वाला हुआ, रिस्की भी हुआ, तो मैं रिस्क लूंगा आपके लिए। आप लेकिन कमेंट जरूर करें, कोई बताए तो सही ना यार, कुछ बताओ तो सही ना, कुछ मेरा कुछ साथ दो, मेरे साथ चलो तो सही ना यार। लकीली दो तीन मिनट पहले की बात है, नुमान भी आ गया लैब में, वो इसलिए कि यार मैं 2 किलोमीटर मुझे पैदल ही चढ़ना पड़ना था, मतलब जाना पड़ना था, तो अच्छा हुआ ठंड में जो है ना मुझे कोई बंदा मिल गया। जैसे तलहा उस दिन नुमान इस्लामाबाद गया हुआ था, तो तलहा इधर आ जाता था, अब तलहा छुट्टी पे है, तो नुमान जो है ना दोनों लैब्स मैनेज कर रहा है। चक्कर बच गया, चलो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, पैदल जाना मेरा बच गया, 2 किलोमीटर ठंड में चलना पड़ना था, तो उस वजह से चलो अब चलते हैं, लेट्स गो। 1 hour later तो हाँ जी, फिर यार फाइनली मैं आ गया था घर, अंधेरा काफी हो गया था, मतलब कि अब पूरी तरह रात ही हो गई, जैसे कि मेरा कल आउटर हुआ था वैसे ही आज हो रहा है, तो वही टाइम बड़ा हो गया, ठंड भी बड़ी हो गई है, तो मैं मतलब जल्दी आ जाता हूँ घर। सर्दियों की मतलब दिन ना और रातें भी, सर्दियों की रात जरा लंबी होती है और दिन जरा छोटे होता है, पता नहीं चलता। खैर अभी यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर एंड तक आएगी हो वीडियो तक भाई देखते देखते, तो सब्सक्राइब करके जाना, आप ऐसे ना जाना यार, अगर आप चाहते हो कि मेरे मजीद कोई व्लॉग देखे तो सब्सक्राइब कर देना यार, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, ओके फिर।